guys, today we are going to see how to make different outfits from very few pieces or like a capsule wardrobe in winters. इसमें ना मैं बहुत सारे outfits recreate करके दिखाने वाली हूँ. आपके पास कोई भी कलर का ब्लेजर हो, कोई भी कलर का कोट हो, कोई भी जीन्स हो, कोई भी स्वेटर हो, कुछ भी हो, आप सारे outfits recreate कर सकते हो. So I think without any further ado, let's get started. So this is our first base outfit. I know इसकी sleeves थोड़ी छोटी है और ये मुझे बहुत पुराना है, मतलब ये मेरा स्वेटर. बट बेसिकली आप टू गेट एन आइडिया कि यू हैव लाइक सबके पास, हम लोग के पास मिड वॉश डेनिम्स होते हैं. इट कैन बी स्ट्रेट फिट और इट कैन बी वाइड लेग, जैसे मैंने पहना है, एंड अ क्रीम और लाइक अ वाइट स्वेटर. फिर एनी ब्लू और ब्लैक कलर का ब्लेजर और जैकेट, वॉट एवर यू हैव, इट विल गो परफेक्टली. लुक हाउ परफेक्ट दिस लुक्स. अगर आप चाहो तो आप इसको बंद कर सकते हो, कीप इट ओपन लाइक दिस एंड इट लुक्स रियली ग्रेट. मतलब आप लिटरली नो ब्रेनर आउटफिट है, लाइक एनी लाइट कलर क्रीम और वाइट स्वेटर टर्टल नेक व्हाटएवर यू वांट एंड अ स्ट्रेट फिट मिड वॉश और डार्क वॉश ब्लू, एंड उसके बाद आप कोई भी कोट क्लियर कर लो, इट विल लुक रियली ग्रेट. एंड इन विंटर्स यू कैन यूज योर फिटेड जीन्स लाइक स्किनी जीन्स अ लॉट, बिकॉज ऐसे कोट्स के साथ ना बंद करके आप नॉर्मली भी बहुत अच्छी लगती है. लुक हाउ परफेक्ट एंड हाउ क्लासी दिस आउटफिट लुक्स, एंड सिंपली जस्ट कैरी अ बैग एंड यू आर गुड टू गो. सो दिस इज द नेक्स्ट आउटफिट. यू शुड डेफिनेटली हैव अ लेदर स्कर्ट इन योर विंटर वार्डरोब बिकॉज यू कैन स्टाइल इट सो मेनी वेज. नॉट दिस वन, दिस इज लाइक अ रियली बेसिक वन. कोई भी ओवरसाइज स्वेटर होना चाहिए आपके पास. नाउ दिस इज इन ब्राउन कलर, आई डू हैव इन ग्रे कलर, एंड एक ब्लैक कलर की नी हाई बूट्स आर अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वार्डरोब स्टेपल आई मस्ट से इन विंटर्स. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज लाइक यू कैन इवन लीव इट लाइक दिस एंड लाइक यू नो कैरी अ क्रॉस बॉडी बैग और समथिंग. आई एम गोना पुट अ बेल्ट हियर. लुक दिस इज सच अ सिंपल आउटफिट एंड गोज सो नाइसली. अगेन ये जो स्वेटर है ना, ये आप जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो इन द सेम मैनर. ऑल यू हैव टू डू इज लाइक पेयर इट अप विद लाइक अ फ्लेयर जीन्स और लाइक यू नो वाइट लाइक ब्लैक कलर का जीन्स और ब्राउन कलर का जीन्स टू मेक इट अ मोनोक्रोम आउटफिट, एंड देन बूट्स आप नॉर्मल लेंथ के पहन. एडिंग माई फेवरेट बैग, ये बैग अगर आपने देखा हो, मैं पिछले 3 साल से स्टाइलिंग वीडियोज में यूज कर रही हूँ. Next up, it's the same base outfit but with a black coat, a trench coat, a long coat, anything works. And instead of a crossbody bag, I remove the straps and use it like a handbag thing. And this is such a nice outfit. Super warm, मतलब मुझे गर्मी लगने लग रही है, even though it's like 13 degrees outside. But yeah, this is that one outfit जो आप अच्छे से layer up कर सकते हो with like fleece tights and all. आप इसको literally 0 degrees में भी पहन सकते हो. It's the same thing, but a grey colored sweater, and I think this looks better than the brown one because grey and black complements each other like anything. Like you look, how pretty this outfit is. And again for the bag, I'm going with like a very minimal crossbody bag. I have now layered like a very 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 warm and very thick jacket. बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं करा है, the same skirt, the same knee high boots and the same sweater. But sweater को मैंने tucking कर लिया है, and then I have layered this. Of course you can layer or like a coat, like a black overcoat or something like this. Again, ये सारे outfits आप jeans के साथ भी recreate कर सकते हो. Looks equally good. We'll keep the same sweater and we'll go for a jeans instead of a skirt. Look how great this base is looking. Just like a grey colored sweater, turtleneck, कुछ भी बोलो, with like a your blue denim जो आप सर्दियों में गर्मियों में हमेशा use कर सकते हो, and some boots. अगर सर्दी कम है आप सिंपली इस आउटफिट को ऐसा रख सकते हो. अगर सर्दी ज़्यादा है, लेयर इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज. सबसे पहले ना मैं इसको आपको एक ऐसे कलर के साथ लेयर करके दिखाऊंगी जो नहीं सोच सकते ग्रे के साथ अच्छा लगेगा, बट सी इट विल लुक अमेजिंग. हाउ गुड दिस आउटफिट इज लुकिंग, लाइक अ ग्रे स्वेटर, नॉर्मल डेनिम, आपका कोई भी कलर का ट्रेंच कोट, इसमें ब्लैक भी अच्छा लगेगा, क्रीम भी अच्छा लगेगा, ब्राउन भी अच्छा लगेगा. सिंस वी हैव एडेड ब्राउन बूट्स एंड बेल्ट फॉर क्रीम वन,
let's change the coat and let's go for like a black leather jacket because leather jacket हमने अभी तक पूरी वीडियो नहीं करी है. Look, outfits like this looks great with short jackets as well. And मैंने boots change नहीं करे since mine was so dark brown कि ये black जैसे ही लगते हैं. Last, do not kill me for this. ये स्वेटर इतना ज़्यादा versatile लगा मुझे. Recently got it and भाई ये इतना अच्छा है. किसी के साथ भी पहन लो, कोई से भी कलर के साथ पहन लो, ये अच्छा ही लगता है. Look. Next up, I'm going to use a black turtleneck in many different ways. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आउटफिट. इसके अंदर मैंने बेस लेयर्स को ना ब्लैक एंड व्हाइट रखने की कोशिश करी है. ब्लैक एंड व्हाइट ट्वीट स्कर्ट है ये. दिस लुक्स वेरी वेरी अमेजिंग. ब्लैक कोट के साथ लेयर करा है इसको. यू कैन इवन गो फॉर अ फ्लीस टाइट्स अंडरनीथ ताकि आपके पैर भी बहुत वार्म रहे. वैसे तो आई हैव एडेड नी हाई बूट्स एंड शेयर टाइट्स इन क्रीम कलर, बट यू कैन इवन गो फॉर ब्लैक कलर शेयर टाइट्स. वो भी बहुत प्रिटी लगने वाले हैं इसके साथ. एंड बहुत ही सिंपल कलर्स हैं. आई हैव लाइक अ प्रॉपर ब्लैक लेयर्स, ब्लैक बेसिक लेयर्स ऑन, एंड उसके ऊपर आई एम गोइंग टू एड सच सम कलर. So this is a black and white tweed blazer. So that tweed skirt is a part of this quad set only, and this quad set was from Urbanic, and that too like under a budget of 1500-1600, which I really really liked. And this is very very warm. Like आप इसके अंदर कितने भी thermals का layer add कर सकते हो, उसके ऊपर ये blazer add करके you can even wear shoes. This is like the warmest layer, and I've worn this to office like so many times because this is perfect for even offices as well, perfect for colleges, and even if you're going out normally, then also it's very very amazing. Next up, this is a dress which I got from Zara last year in sale section, and this dress goes so well with every brown or cream like neutral colored earthy tones wale outfits. And iske sath I'm wearing brown boots finally. Matlab mere paas do hi boots hai, black and brown, to main usi ke sath switch karti rahungi puri video ke andar. Now if you want to style your dresses, then ha, coats best option hote hain. Aap chaho to usme kitni bhi layering kar lo, andar kuch nahi pata lagta hai, and bahut sundar lagta hai. Next up, I have this कार्डिगन. लाइक जब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं हो, कोट जितनी, तब डेफिनेटली यू कैन ऐड कार्डिगन्स. एंड ट्राई टू कीप योर कलर पैलेट बहुत ही सिमिलर सॉर्ट ऑफ अगर आप विंटर्स के अंदर स्टाइलिंग कर रहे हो तो. उसके बाद आई हैव दिस अमेजिंग क्रीम कलर का जंपर, और इसके अंदर भी मैंने एक लेयर पहना था. एंड देन ब्राउन पैंट्स. यू मस्ट हैव सीन मेरे पास बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट्स एंड ब्राउन एंड क्रीम्स हैं बिकॉज मेरा विंटर वार्डरोब उनके अलावा अधूरा है. नाउ नेक्स्ट अप, आई हैव अ स्वेटर विद स्कर्ट. लाइक दिस इज अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बट बहुत अच्छा है. लाइक आप स्कर्ट के अंदर एक दो थोड़े से शॉर्ट्स पहन लो, स्वेटर के अंदर अपने टाइट थर्मल लेयर्स वगैरह ये सब पहन लो, एंड बूट्स पहन लो साथ में. आप इसको वार्म भी बना सकते हो, ज़्यादा ठंडी नहीं, तो आप इसे थोड़ा चिली चिली भी रख सकते हो. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, एंड इट लुक्स रियली रियली कूल विद अ टोट बैग, सनग्लासेस. बहुत ही प्यारा लगता है. I think that's all for today's video, and these were some outfits which I really really love, and I love styling them. मतलब ये मैं पिछले दो साल से स्टाइल करती आ रही हूँ. As you can see कि कुछ कुछ क्लिप्स मैंने पुरानी भी ऐड करी है जो मेरे पुराने स्टाइलिंग वीडियोज में से है, बिकॉज आई लव देम सो मच. एंड ऐसे इटर्नल स्टाइल्स है ना कि आप किसी भी साल पहन सकते हो, 10 साल बाद भी ये स्टाइल्स कम्प्लीटली इन ट्रेंड होंगे. दीज आर क्लासिक्स. And this was all about the video. I hope you liked it and enjoyed watching it. If you didn't, then please give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much for watching. Bye bye.